हमें इसके अंदर कुछ सांप और वो भी। तो यार कुछ दिन से हम एक बहुत ही तगड़ी लोकेशन की तलाश में घूम रहे थे, तब जाकर हमें एक ये बहुत ही खतरनाक सी लोकेशन मिली है। तो ये जो जगह है ये नॉर्मल हाइट से जहाँ पर हम अभी हम फिलहाल ज़मीन के 30 फीट गहराई के अंदर खड़े हुए हैं। ये चीज़ बिल्कुल एकदम बहुत ही ज़्यादा गहरी एक जगह के अंदर जहाँ पर हम लगभग 30 फीट की गहराई में थे। और भाई यहाँ पर हम जैसे इसको एक्सप्लोर करते हैं, ऐसे घूम रहे थे भाई, हमारा जो काम है वो यहाँ पर हो पाएगा या फिर नहीं, तभी हमें एक यहाँ पर बहुत ही कमाल की चीज़ देखने मिली। मैं सोच रहा था कि भाई एक ये तालाब जैसी कुछ जगह है और यहाँ पर एक बोरवेल क्या कर रहा है। तभी भाई मेरे दिमाग में खटक गई कि हाँ, इस बोरवेल के अंदर हमें अपने कैमरे को डालना है और इसके अंदर देखना है आखिर हमें क्या देखने को मिलता। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। दोस्तों इस बोरवेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, तो उसके लिए हमने कुछ ऐसा सा टाइप तैयार किया है। यहाँ पर हमारे पास भाई कैमरा तो नहीं है वैसा, जिससे मतलब पानी वानी में कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए हम इसके अंदर फ़ोन उड़ा रहे हैं और इसके ऊपर हमने अच्छे तरीके से पॉलिथीन को पैक कर दिया और साथ ही हमने इसके साथ काफ़ी पावरफुल लाइट यूज़ करी है, ये वाली लाइट है। चलिए अब सीधा इसके अंदर रिकॉर्डिंग चालू करते हैं और इसे इसके अंदर डालते हैं। अब इसे डालना शुरू करते हैं। थोड़े ही दूरी पर पहुंचा है और लाइट की वजह से हम अच्छे से क्लियर देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमें बोरवेल की गहराई तो कुछ ज्यादा खास नहीं देखने को मिली, लेकिन हाँ हमें इसके अंदर कुछ नीचे बहुत ही खतरनाक चीज सी दिखाई दे रही है, जैसे कि कोई सांप और वो भी काफी ज्यादा मतलब खतरनाक सा दिखाई दे रहा है। तो भाई फिलहाल हम अपने मोबाइल फोन को बाहर निकालते हैं और इसकी फुटेज चेक करते हैं एक बार, ठीक है। एक बार को तो हमें सही में ऐसा लगा कि भाई मतलब सांस एकदम से थम सी गई थी, जैसे हम बाहर से इसके अंदर लाइट लगी ना तो हमें तब ऐसा लगा कि इसके अंदर सांप है वो भी जिंदा। और यार बाद में जब हमने वीडियो को चेक किया तो भाई पता लगा कि वहाँ पर एक छोटा सा मेंढक फंसा हुआ है। बाकी यार इस बोरवेल के अंदर से उसे निकालना भी असंभव है और वो बुरी तरीके से इसके अंदर फंस चुका है। उन्हीं सी जगह के अंदर एक जानवर को जिंदा रहना मुश्किल था ये। बाकी आज की यह कमाल की वीडियो आपको पसंद आएगा, पता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यार हमारा तो अच्छी तरीके से कट गया कि सोचा हमने सांप था और निकला मेंढक। बाकी वहाँ पर एक प्लास्टिक की जाली पड़ी हुई थी तो वो चमक मार रही थी ऊपर लाइट से, तो वो उसकी वजह से हमें देखने को सांप जैसा मतलब लगा हो देखने में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो जाकर चेक करिए भाई, बहुत सारी एक से एक एक्सपेरिमेंट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी। पसंद आया तो सब्सक्राइब तब करिएगा और जल्दी मिलते हैं हम कुछ और नई धमाकेदार वीडियो के साथ कुछ नया करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।